मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेरी होली मेरे घर के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन बैठक में होली दहन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने असहमति जताई थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने होली की परंपरा का निर्वाह करने के लिए 20 लोगों को मिलकर होली दहन करने की बात की, इसके बाद शहरवासियों में खुशी देखी गई। इंदौर के शक्कर बाजार क्षेत्र में होलकर काल से होली दहन की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये परंपरा टूट जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने निर्णय में बदलाव कर 20 लोगों के साथ होलिका दहन की बात की है। आयोजक लक्ष्मी चंद शर्मा ने शासन के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि होलिका दहन में पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, साथ ही होलिका दहन पर कोरोना मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी। होली के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करे हैं, उसके तहत आप होली का दहन किस तरह से? प्रशासन ने अपने हिसाब से गाइडलाइन जारी करी, वो अच्छा ही है कि उसने लिखा 20 आदमी या परिवार के लोग होली जलाए, वो अच्छा है। पहले क्या होता था, खूब भीड़ कर करके लोग जलाते थे, अभी इसी कोरोना के महामारी में होली तो जलाओ, परंपरा निभाओ, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार। ये मेरा भी तर्क है। अपनी होली का क्या इतिहास है, क्या इसका परंपरा किस तरह? होलिका माता क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को मारना चाहते थे, तो हर तरह से उसने कोशिश करी, लेकिन भक्त प्रहलाद मरा नहीं। आखिर में अपनी बहन होलिका से बोला कि तेरे को वरदान मिला हुआ है कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, तो तू भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बैठ के इसको जला दे। वो होलिका माता भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में बिठा के जलाने लगी, लेकिन भगवान की ऐसी महिमा रही भगवान विष्णु की कि होलिका माता तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद आग में से भी जीवित निकला। उसके बाद होलिका माता की पूजा होती है मरने के बाद, और होली का उत्सव मनाया जाता है, होली का दहन। अपने यहाँ की होली का कितने वर्ष पुरानी होली ये है? मेरे देखते मेरी उम्र करीब 66 साल की होगी, 50 साल से तो मैं भी देखता रहा। उसके पहले हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ होली जलाते थे, और ये होलकर स्टेट के ज़माने का ये भैरू बाबा का मंदिर है, और तब से यहाँ होली दहन होता है और खूब आनंद से होली खेलते हैं। क्या समय रहता होली दहन करने का? अभी तो 6:30 से 7 का समय है होली का दहन का। हर साल पंचांग के हिसाब से टाइम चेंज होता है, इसके माध्यम से तिथि के हिसाब से। तो अभी 6:30 से 7 का टाइम है, तो हम 7 बजे करीब होली का दहन कर देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि कोरोना गाइडलाइन? अरे ये बिल्कुल जाएगा। होलिका माता से निवेदन करेंगे, भक्त प्रहलाद से भी निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार होलिका का दहन हो गया, इस तरह कोरोना का भी दहन हो जाए। पूरे विश्व से ये बीमारी पूरे विश्व में है, और ये कोरोना की बीमारी खत्म होगी तो देश बड़े खुशहाल हो जाएगा, विश्व खुशहाल हो जाएगा। अपना नाम? लक्ष्मी चंद शर्मा, लच्छू नेता, शक्कर बाजार चौराहा। गौरतलब है कि रंगों के त्योहार होली को इंदौर शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं शहर की गली गली में होलिका दहन किया जाता है। फिलहाल होलिका दहन में 20 लोगों की छूट पर आम जनता में संतोष देखा जा रहा है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।